आज रिजल्ट आने वाला है। एक सीट पर आगे हैं आप लोग, राइट लेने चुके हैं। आगे बढ़ा मैं तेज प्रताप जी, एक सीट पर आजाद आगे हैं। आप लोग जीतिएगा, नमस्कार। न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद हैं हम 10 सर्कुलर रावड़ी आवास पर। अभी कुछ देर पहले तेज प्रताप यादव यहां पहुंचे थे और तेज प्रताप यादव अपने पिता लाल प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे। लेकिन आपको बता दें कि 2 सीटों पर उपचुनाव के आज परिणाम आने वाले हैं। लगातार मतगणना चल रही है और कुशेश्वर स्थान से जनता दल यूनाइटेड और तारापुर से आरजेडी की बढ़त चल रही है। वहीं तेज प्रताप यादव इस बीच अपने पिता लालू यादव से मिलने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने रावड़ी आवास का जो ये गेट नज़र आ रहा होगा आपको, जहां तेज प्रताप यादव बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मीडिया के द्वारा ये सवाल किया गया कि क्या दोनों सीट आप लोग जीतेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि देख रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कहा जाए कि दोनों सीटों पर लगातार मतगणना चल रही है। एक सीट पर तारापुर में जो है वो काउंटिंग स्लो का आरोप राष्ट्रीय जनता दल ने लगा दिया है। कहा गया है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान जो है मतगणना के दौरान धांधली हुई थी, वही आशंका है इस बार भी तारापुर में, क्योंकि तारापुर में मतगणना काफ़ी धीरे हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा किया है राष्ट्रीय जनता दल ने। और तेज प्रताप यादव ने जो है वो कहा है कि अभी देख रहे हैं कि क्या होता है। लगातार जिस तरीके से कहा जाए कि तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के आने के बाद से प्रतिदिन आज जो रावड़ी आवास है वहां पहुंचते हैं और अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, लेकिन आज दोनों सीटों पर मतगणना है और मतगणना के बाद ये लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्या होगा राष्ट्रीय जनता दल का, क्या होगा जनता दल यूनाइटेड का। दोनों की साख बची है। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव की बात करें तो वो दरभंगा में है और एक टीम जो है वो कुशेश्वर स्थान में है। दरभंगा की हम बात करें, कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी यादव खुद हैं और तारापुर में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ लालू प्रसाद यादव ने भी आज सुबह में कहा है कि जीत सुनिश्चित है। एक जगह पर जगदा भाई को भेजे हैं और दूसरे दरभंगा तेजस्वी यादव को भेजा गया है और अब देखना ये होगा कि आखिरकार अंतोगत्वा क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल जो है तारापुर में आगे चल रहा है, लेकिन काउंटिंग स्लो का आरोप लगाया गया है राष्ट्रीय जनता दल के पेज पर जो है वो ट्वीट करके बताया गया है। और अभी फिलहाल तेज प्रताप यादव जब राबड़ी आवास पहुंचे उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनसे पूछा गया कि क्या दोनों सीटों पर जो है वो चुनाव की गिनती हो रही है, आप लोग जीतिएगा, एक सीट पर आप लोग पीछे चल रहे हैं, एक सीट पर आगे। तो साफ तौर पर तेज प्रताप यादव ने एक ही बात कहा है कि देख रहे हैं क्या होता है। लेकिन तेज प्रताप यादव से मीडिया के द्वारा कहा गया कि आप बाहर भी आ जाइए। उन्होंने इस बात को दूसरी तरह से मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमें आज रिजल्ट आने वाला है, एक सीट पर आगे हैं आप लोग, राइट लेने चुके हैं। आगे तेज प्रताप जी, एक सीट पर आजाद आगे हैं। आप लोग जीतिएगा, आगे आइए, गेट खोल दीजिए थोड़ा सा, वही बंद कर, बाहर आके बोल दीजिए।